नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNDVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, चुनाव में 221 सीटों से भी ज्यादा सीटें आएंगी, ये यहां पर कहना है सीएम ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के मेरा आत्मविश्वास 110% है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव के नतीजे नहीं बता सकती, लेकिन इस बार पिछले दोनों चुनावों से भी ज्यादा सीटें आएंगी हमारी और संख्या 221 से कम नहीं होगी, ये यहां पर बड़ा दावा किया है सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव को लेकर के। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, गुजरात दुनिया से कटा हुआ उसे भी आजाद कराना है। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत ने अप्रत्यक्ष रूप से पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात दुनिया से कटा हुआ है उसे भी आजाद कराना है। टिकैत ने कहा कि हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा किसी भी कीमत पर। टिकैत ने अलवर जिले में एक आयोजित किसान सम्मेलन में कहा कि राजस्थान के बाद अगली पंचायत अब गुजरात में होगी, वहां के लोग दहशत में हैं, पूरी तरह से बंधन में है, गुजरात को आजाद कराना है, वहां के किसानों और वहां की आवाम दहशत में है और वहां कोई किसी से बोल नहीं सकता है और ना ही कोई उनसे बात कर सकता है। वहां के किसान अगर ट्रेन में बैठ करके दिल्ली आंदोलन में शरीक होने आए तो रास्ते में ही पुलिस का डर दिखा करके रोक दिया जाता है, इसलिए वहां के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के लिए गुजरात जाएंगे और वहां पर भी सभाएं करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे, ये यहां पर राकेश टिकैत का कहना है। और इस दौरान राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर साधा है निशाना। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी पुलिस ने जयंत चौधरी समेत 5000 अज्ञात पर दर्ज किया है मुकदमा। जयंत चौधरी बोले बाबा जी बता दें गिरफ्तारी कहां देनी है। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी किसानों के समर्थन में गांव-गांव जाकर के महापंचायत का आयोजन कर रही है। बीते दिनों शामली में योगी सरकार की अनुमति के बिना पार्टी ने किसानों की महापंचायत की थी, जहां दूर दूर से लोग एकजुट हुए थे। इस महापंचायत के चलते इलाके में जिला अधिकारी के द्वारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन वैसे अगर देखा जाए जहां पर भी योगी सरकार बैकफुट पर होती है वहां पर 144 लगा दी जाती है। अब तो ये चलन सा बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिना अनुमति के सभा का आयोजन किए जाने के मामले में राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी सहित 5000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आप लोगों को बताते चलें, तो वहीं इस पूरे मामले में RLD के नेता ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चलें, जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बाबा बता दें कब और कहां पर गिरफ्तारी देनी है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राजनाथ सिंह के बयान पर राहुल गांधी का निशाना, कहा जवानों की शहादत का अपमान क्यों कर रही है सरकार। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर के एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि क्यों केंद्र सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान कर रही है और अपनी जमीन कब्जे में जाने दे रही है। राहुल गांधी की यह तीखी प्रतिक्रिया राज्यसभा में चीन पर मौजूदा स्थिति को लेकर के बयान के बाद आई है यहां पर, जो कि राजनाथ सिंह ने दिया है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वर्तमान स्थिति की कोई जानकारी नहीं, ना कोई शांति और शांतिपूर्ण माहौल। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा है कि सरकार हमारे बहादुर जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन क्यों जाने दे रही है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने घेरा है एक बार फिर से सरकार को। इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नए कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई को तैयार हुए किसान सिंघू, बॉर्डर पर बनाए जा रहे हैं नए टेंट। आप लोगों को बताते चले, केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी गतिरोध के जल्द समाप्त न होने की संभावना के बीच दिल्ली से लगे सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने लंबी लड़ाई के लिए
प्रदर्शन स्थल पर बुनियादी ढांचे मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के तीनों ही कानूनों को वापस लेने और उनकी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी देने तक आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई है। आप लोगों को बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि प्रदर्शन स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए 100 से भी ज्यादा CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कहा सिर्फ 2 आदमी चला रहे हैं देश, उनकी वॉशिंग मशीन में सब हो जाते हैं साफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लिए बिना कहा है कि सिर्फ 2 आदमी मिलकर के देश चला रहे हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में हर काला आदमी साफ हो जाता है। दरअसल ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में जबरदस्त तरीके से भाजपा को घेरा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ जोर शोर से मोर्चा खोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा का काम एक दूसरे को लड़ाना है, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, किसी से डरती नहीं हूं। ये बंगाल आकर के हमें डराते हैं, अगर हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए डरना नहीं है। सिर्फ 2 आदमी मिलकर के पूरा देश चला रहे हैं, ये यहां पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है सीएम ममता बनर्जी ने। अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्व नियोजित थी लाल किले तक ट्रैक्टर रैली, ये यहां पर किसानों पर ही आरोप मर दिया है दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए दीप सिद्धू से पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में दीप सिद्धू ने पुलिस को बताया है कि वह इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि उसकी जान को खतरा था। सिद्धू ने कहा है कि वह इस बात से डरा हुआ था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी क्योंकि किसान नेताओं ने गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा का पूरा दोष उसके मत्थे ही मर दिया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि दीप सिद्धू ने अब यहां पर किसान नेताओं पर ही उल्टा आरोप लगा दिया है, जबकि यहां पर लोकसभा से लेकर के राज्यसभा में विपक्ष यही कर रहा है कि ये सीधे तौर पर सरकार की ही साजिश थी। दोस्तों आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस खबर पे, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, पंजाब में भी हुई है किसान महापंचायत, लड़ाई जारी रखने का किया गया है बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायतें लगातार जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में हुई महापंचायतों के बाद लुधियाना के जगराव में भी महापंचायत हुई है। इसमें बड़ी संख्या में किसानों के साथ ही आम लोग भी जुटे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई यह महापंचायत जगराओं की अनाज मंडी में हुई है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान और मजदूर भी शामिल हुए और इस दौरान जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को लेकर के निशाने पर लिया है और लड़ाई लगातार जारी रखने का किया गया है इस महापंचायत में ऐलान। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले दोस्तों, सरकार ने गरीबों, बेरोजगारों, MSME की अनदेखी की है। ये अमीरों का अमीरों के लिए अमीरों के द्वारा लाया गया बजट है, ये यहां पर कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट प्रस्तावों में गरीबों, बेरोजगारों और MSME क्षेत्र की काफी अनदेखी की है। राज्यसभा में बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे योग्य को उनके भाग पर छोड़ दिया गया है, गरीब, किसान, प्रवासी श्रमिक, MSME क्षेत्र, मध्यम वर्ग और बेरोजगार। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बजट को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा है कि सभी को उम्मीद थी लेकिन गरीबों के लिए नकद हस्तांतरण नहीं हुआ है। चिदंबरम ने कहा है कि बजट में रक्षा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इसमें अनुमानित संख्या सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये अमीरों का अमीरों के लिए अमीरों के द्वारा लाया गया बजट है। उन्होंने आगे कहा है कि हम सरकार की नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो हमें आंदोलनजीवी और परजीवी कहा जाता है, लेकिन हम लोग आंदोलन करना नहीं छोड़ेंगे। ये यहां पर देख सकते हैं जोरदार हमला मोदी सरकार पर पी चिदंबरम ने बोला है और कहा है कि लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करते रहेंगे क्योंकि ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए ही चलाई जा रही है, ये अमीरों की सरकार है। ये यहां पर आरोप लगाया है पी चिदंबरम ने और भड़के हैं यहां पर मोदी सरकार पर। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों,
लोगों को बांटना, गुंडागर्दी करना और सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाना बीजेपी का काम है, यह यहां पर जोरदार हमला ममता बनर्जी ने बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां पर बीजेपी को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया है और अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आप लोगों को बताते चलें, ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ गुंडागर्दी ही करती है, लोगों को बांटती है और सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाती है। ममता बनर्जी ने बताया है कि बंगाल में कभी भी जात की राजनीति नहीं हुई है, लेकिन अभी बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के लोग हर धर्म को एक साथ लेकर के नहीं चलते हैं और हिंदुओं को भी बांट देते हैं, पंजाब में ये ऐसा ही करते हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी वालों ने बंगालियों को भी बांट दिया है, वो कहते हैं कि ये बांग्लादेश का बंगाली है और ये इधर का बंगाली है, बंगाली के साथ बंगाली को भी लड़ाते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, दो टूक तरीके से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से कह दिया है कि वो उनके मंसूबों में उनको कामयाब बिल्कुल भी नहीं होने देंगी और लोगों को बांटने नहीं देंगी। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से ममता बनर्जी ने लिया है केंद्र सरकार को निशाने पर। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।